हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरा न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, ये सेकंड पार्ट है जो आज आप लोग ब्लॉग देखे, इसका सेकंड पार्ट है। ये सेकंड पार्ट में अभी मैं रात को आज ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। ऐसा कोई दिन नहीं था कि मैं कभी रात को ब्लॉग शूट किया था, लेकिन आज ऐसा दिन आ गया है कि मेरे को रात को भी ब्लॉग शूट करना पड़ रहा है, वो भी आपके लिए, मेरे लिए और सारे इंसान के लिए। ठीक है, पब्लिक कर देता हूँ तो सभी कोई देख सकते हैं। तो अभी मेरे साथ आशीष है, इधर हाय कर दो ब्रो, और इधर विकास है, हाय। तो इन लोगों के साथ फ्रेंड्स आज मैं जा रहा हूँ क्रिसमस मनाने। ठीक है, हम लोग जा रहे हैं चर्च। तो काहे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो आशीष बताएगा। तो ब्रो बताओ कितना टाइम वहाँ पर चर्च होगा। 10 बजे वहाँ पर चर्च होने वाला है फ्रेंड्स। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं और बहुत धूमधाम से होता है, बहुत अच्छा तरीका से होता है, बहुत अच्छा अच्छा चीज़ दिखाते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं। तो आप लोगों को भी देखने को मिलेगा कि हमारा छत्तीसगढ़ में, एक्चुअली हमारा छत्तीसगढ़ में कैसे मनाते हैं। ठीक है, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखना फ्रेंड्स, ताकि आप लोग भी देख पाओ कि हमारे विलेज क्षेत्र में कैसे चर्च में कैसे क्या क्या मनाते हैं और कैसे कैसे मोटिवेट करते हैं, कैसे इंसान एक जगह सम्मिलित होते हैं और ढेर सारा प्यार के साथ, ढेर सारा स्नेह के साथ में अपना जीवन यापन करते हैं। तो फ्रेंड्स यार, फिलहाल अभी मैं वही जा रहा हूँ। हम लोग का गांव से एक्चुअली कितना दूर बोल दूँ तो 13 से 14 किलोमीटर दूर होता है फ्रेंड्स, और रात का वक्त है। तो बाइक लेके जा रहे हैं मैं, आशीष और विकास। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं यार बाइक में ही। तो लेट्स गो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यार, अभी हम लोग चंपा में रुक गए हैं जो पेट्रोल डलवाने के लिए। मैं और आशीष, हमारा बाइक इधर है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं अंधेला में, बट पूरा दुकान ही बंद हो गया फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं यार। तो हम लोग का पोपट हो गया, यानी कि नुकसान हो गया। एक्चुअली किस्मत से पापा पेट्रोल गाड़ी में भरा के रखे थे, इसलिए हो गया, जाने आने के लिए हो जाएगा। तो हम लोग का नुकसान तो हो ही गया, दुकान बंद हो गया क्योंकि लेट कर दिया हम लोग आने में। तो फ्रेंड्स पेट्रोल नहीं डला पाए यार, तो चलो चलते हैं फ्रेंड्स। अभी हम लोग चंपा में ही है, एकम्बा नहीं पहुंचे हैं। तो लेट्स गो फ्रेंड्स, चले चलते हैं यार एकम्बा। तो फ्रेंड्स यार, फाइनली अभी मैं एकम्बा चर्च में पहुंच चुका हूं आशीष के साथ। इधर है एकम्बा चर्च, इसके अंदर अभी सभी लोग प्रवेश कर रहे हैं, प्रवेश होना आरम्भ हो गया है। इसके बाद कुछ देर बाद यहाँ गिरजा शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यार, काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर आए हैं और आते आते हम लोग का हाथ है पूरा ठंडा हो गया है। आशीष का भी है, आशीष का भी हाथ पूरा ठंडा हो गया है। आशीष अभी टार्च से मेरे को जला दिया है ताकि मेरा फेस में आया, आप लोग मेरे को देख पाओ। इधर स्कूल भी है फ्रेंड्स, यहाँ चर्च भी है, स्कूल भी है, दोनों है। तो स्कूल दिखाता हूँ आप लोग को, है ना, निर्मल प्राथमिक शाला छिछली एकम्बा, नहीं छिछली, छिछली के बाद का है, छिछली के बाद अ है ना, फिर संकल्प एकम्बा, संकुल है, संकुल है यार, संकुल, अच्छा संकुल एकम्बा ना, विकासखंड बगीचा, जिला जसपुर, छत्तीसगढ़, दिखा मेरे को। तो फ्रेंड्स स्कूल देख लिए यार, स्कूल का नाम अभी, इसके जस्ट बगल में इधर चर्च है जो कि काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है आपको, एकदम एकदम ओपी लग रहा है यार। ये देख सकते हो फ्रेंड्स, इधर चर्च है, इधर आशीष ब्रो है, हाय कर दो ब्रो। तो इधर आशीष है और काफ़ी दूर दूर से आए हैं फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं गाड़ी वाड़ी लेके। इधर काफ़ी बेहतरीन लग रहा है, एकदम ओपी वाला फ्रेंड्स, एकदम हार्ड लग रहा है यहाँ चर्च, लग रहा है कि अब मैं जन्नत में घुसने वाला हूँ। ठीक है, इसके अंदर घुसेंगे तो ऐसा लगेगा कि अब हम लोग जन्नत के अंदर घुसने वाले हैं, एकदम एक्साइटेड ब्रो। घुसने के लिए कैसा लग रहा है बताओ, अच्छा लग रहा है कि नहीं? अच्छा लग रहा है, एकदम लग रहा है ना कि एकदम घुसने का मन कर रहा है, जन्नत है टाइप का लग रहा है ना, पूरा जन्नत के अंदर हम लोग अभी प्रवेश करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चलो यार प्रवेश करता हूँ, अंदर नहीं बोलूँगा, ठीक है, बाहर जब कुछ भी बोल रहा हूँ बोलूँगा, इसके बाद निकलने के बाद में बोलूँगा। तो अभी फ़िलहाल मैं अंदर जा रहे हैं फ्रेंड्स प्रवेश करने के लिए, जो काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है, देख सकते हो ओपी, मेरे को लग रहा है जन्नत टाइप का। तो चलो फ्रेंड्स अंदर घुसते हैं यार।
जे भी बाहर अंदर आजूबाजू जे भी बाहर अंदर जब मंदिर भीतर नाम करो तो बढ़िया से अपना हटा लो व्यवस्थित नमस्कार नाम शुरू ना
तो फ्रेंड्स यार पूरा चर्च का कार्यक्रम खत्म हो गया है और काफी बेहतरीन लगा, इतना अच्छा लगा कि क्या ही बताऊं, पूरा दिल खुश हो गया, अंदर से पूरा हृदय से दिल खुश हो गया। यार आशीष तेरे को कैसा लगा बता? मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। तो बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स, एकदम काफी बेहतरीन यार, क्या ही बोलूं, ऐसा नजारा देखने को मिलता है, मैं यार क्या ही बोलूं, मैं तो अंदर से बहुत ज्यादा खुश हो गया, यहाँ आया और एकदम ज्यादा खुश हो गया, बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। और यहाँ का कार्यक्रम, यहाँ का लोगों से मिलना काफ़ी बेहतरीन लगा, एक समूह की तरह होते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, सबकी मदद करते हैं। और प्रभु ईसा मसीह के बारे में बहुत कुछ बताए, किस दिन जन्म लिए थे, ऐसा वैसा, मतलब पूरा चीज़ ए टू जेड बताए, बहुत अच्छा लगा यहाँ का कार्यक्रम, उठना बैठना। भविष्य में किसी भी, मतलब अपने केवल धर्म को नहीं, अलग धर्म में भी जाके देखना चाहिए कि कैसे होता है, क्या होता है, वहाँ जाके सीखना चाहिए इंसान को। तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा सीख भी मिला और काफ़ी बेहतरीन लगा, अंदर से पूरा दिल खुश हो गया, मैं तो सोचा नहीं था कि इतना बेहतरीन लगेगा। और इतना सजावट, इतना बेहतरीन सजावट, क्या ही बोलूँ, आप लोग वीडियो में देखे कैसा लगा बताओ। अभी फिलहाल हम लोग घर जा रहे हैं आशीष के साथ, इधर है आशीष। तो यहाँ से हम लोग का कितना किलोमीटर हो जाता है ब्रो? 13 से 14 किलोमीटर हो जाता है। तो अभी हम लोग, रात ही है फ्रेंड्स, कितना बज रहा है यार आशीष बताओ, नेट टाइम देखे 1:11, 1 बज रहा है रात को, 1 बजे ये वीडियो को शूट कर रहा हूँ फ्रेंड्स। अभी मैं जा रहा हूँ घर यार, और ये विकास भी आया है ठंडा ठंडा में, कोई अलग गल की मतलब इसको ठंडा भी लग रहा है, तो कुड़ू भाषा है ये। तो फ्रेंड्स यार अभी इतना रात को हम लोग आए थे, अभी तो हाथ में मैं टोपी को डाल लिया हूँ, ठंडा लग रहा था इसीलिए, ठीक है। तो काफ़ी बेहतरीन लगा फ्रेंड्स, और बाकी का बात घर में जाके करते हैं। तो यहाँ से भी फिलहाल निकलते हैं, क्योंकि और ज़्यादा रात होगा तो फिर ठंडा भी लगेगा प्लस नींद भी लगेगा, तो हम लोग निकलने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं यार यहाँ से घर, तो लेट्स गो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यार फाइनली हम लोग घर पहुंच गए रात को ही। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स, और कैसे लगा ये तो जरूर कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो को यही एंड करता हूँ, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने ही, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय, कल मिलता हूँ आपसे।